सो है वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ आई थिंक मैंने एन सी आर में बहुत सारे कॉलेज पर वीडियो बनाया है राइट फ्रॉम बिमटेक टू जयपुर आ टू जिम्स रोहिणी टू एन डे आई एम टू फर्स्ट आईम आर टू एफ आई आई भी ए पी जे आई थिंक ये लिस्ट कम नहीं होगी और आज हम एक और कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कॉलेज का नाम है जिम्स कालका जी जिम्स के दो कैम्पसेज हैं रोहिनी कालका जी और इवन एक जयपुर में भी कैंपस है जिसको मैं रिव्यू कर चुकी हूँ दैट इज कॉल्ड जिम्स जयपुर तो uh,

रोहिणी कैंपस कालका जी कैंपस एंड ऑल्सो कैंपस इन जयपुर राइट ये कुछ इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है राइट फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम राइट अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम होता है विद यूएई, राइट यूनिवर्सिटी यू नो यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी फ्राम सिक्सटीन टू ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो लाइक बच्चे थे वो गए थे दैन उसके बाद अगर हम बात करें विद ननयम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर फ्राम एटीन टू ट्वेंटी थर्ड नवम्बर ट्वेंटी नाइनटीन तो ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सटी से टाइप है और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक वीक का ग्लोबल इमरजेंट प्रोग्राम भी जो है ये ऑफर करता है राइट पी जी डी एम कराता है दैट इज कॉल जनरल पी जी डी एम जहाँ पे आपके पास मार्केटिंग फाइनेंस एच आर जैसी स्पेशलाइजेशन रहती है दोनों उसके बाद ये पी जी डी एम आई डी में भी कराता है एंड रिसेंटली देव स्टार्टेड विद प्रोग्राम जहाँ पे वे हैव दिस अकेडमिक टाइप विद यू नो दिस लीडिंग कंसल्टिंग फॉर्म इफ़ आई टॉक अबाउट एंड जिसपे वो बोल रहे हैं कि मिनिमम साढ़े ग्यारह लाख का एवरेज पैकेज मिलेगा तो इस पर देखो ये प्रोग्राम अच्छा है कलेबरेशन अच्छा है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या साढ़े ग्यारह लाख का पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा तो देखो जब तक पहला बैच नहीं निकलता नो बट कैन सी दिस दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट एक प्रोग्राम है जिसमें ये सारी चीज़ें डिलीवर की जाएंगी तो मैं उस पर इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती बिकॉज अगेन जब तक फर्स्ट बैच ऑफ स्लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल नहीं होते निकलते नहीं हैं यू कैन नॉट टॉक अबाउट द रियलिटी तो मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं पी जी डी एम प्रोग्राम के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिफ्टी परसेंट टाइल इन ग्रेजुएशन टैट जैट सी मार्ट मार्ट आप किसी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो दे हैव देयर एप्लीकेशन फीस देन इंटरव्यू होता है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है फीस स्ट्रक्चर कैसा लगा रिश्ता लाखों में एक है ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एकदम सही कहा पंडित जी हमें रिश्ता मंजूर है आ? अरे बेटा, क्या देख गुप्ता जी <laughs> आपके साथ तो ये नहीं बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट स्टूडेंट खबरी हर कॉलेज की खबर तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यू नो पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर एट लाख सेवेंटी थाउजेंड का है और पी आई का एट लाख सेवेंटी थाउजेंड का है ये आई सी टी है एन बी ए का ग्रेडेशन है और साथ ही साथ ए आई यू भी है द गर्ल विद हुम आई वॉज इंट्रैक्टिंग विद उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर था सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का था अभी आई मीन बोथ द गर्ल्स आर इन सेकेंड ईयर तो शी ऑल्सो मैंशन कि इस साल फीस कहीं ना कहीं बढ़ गई है तो एट लाख सेवेंटी थाउजेंड जो है वो फीस स्ट्रक्चर है एकोमोडेशन फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पड़ता है इंक्लूडिंग आप फूड सारी चीज़ें मिला के कहीं ना कहीं आपका ये एक्सपेंसिस पड़ता है तो आप ऑल इन ऑल यू नो डेढ़ लाख रुपये मान लीजिए नौ लाख तो आपका साढ़े बारह लाख के आस का इन्वेस्टमेंट तेरह लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है अगर आप कहीं ना कहीं लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में विल फाइंड ऑल दी थिंग्स राइट राइट फ्रॉम द कैफेटेरिया इनडोर गेम्स हैं काफ़ी सारे वो बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी समर इंटर्नशिप से पहले अगर हम बात करें तो मैं पहले फैकल्टीज से बात कर लेती हूँ फैकल्टी स्टूडेंट जिन स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो उनका कहना है मतलब मेजोरिटी ऑफ फैकल्टीज अच्छे हैं यू uh, नो you know, और कुछ एवरेज है राइट right? तो दैट इज़ समथिंग व्हाट इज द फीडबैक इंटर्नशिप दो महीने की कराता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आई मैन दे हैव सो मेनी क्लब्स वो सारे क्लब्स काफ़ी एक्टिव हैं थोड़ा सा स्टूडेंट का सजेशन था कि फैकल्टीज के टर्म्स में जो गेस्ट फैकल्टीज है दिया तो एब्सोलूटली सुपर बट जो यू नो इन हाउस फैकल्टीज है वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए दैट इज़ द सजेशन विच इज़ बींग गिवन बाई दी स्टूडेंट एज पर स्टूडेंट आई थिंक वन एटी सी प्रोग्राम देख रहे थे तो यहाँ पर इफ आई नॉट रॉन्ग मैंशन है भी या नहीं वन एटी सी एज पर स्टूडेंट यहाँ पे सीट्स मैंशन नहीं और आई बी में इफ एम नॉट रॉन्ग सिक्सटी सीट्स के आसपास है समर इंटर्नशिप दो महीने की जैसे हमने बात किया बी एफ एस आई में है थर्टी एट कंसल्टिंग में थर्टी ने ई कॉमर्स एफ एम सी जी फोर्टीन मैन्युफैक्चरिंग फोर्टीन एंड अदर्स में इलेवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं अगर हम रेशो की बात करें फिफ्टी टू परसेंट मेल हैं रेस्ट फीमेल्स है राइट देन right? अगर आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेशर्स हैं देन कहीं ना कहीं बारह से चौबीस मंथ एक्सपीरियंस वाले हैं और थ्री परसेंट स्टूडेंट्स वहीं फोर से लेस देन मतलब ईयर वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं नाउ प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो आयाज इस क्वेश्चन की एवरेज पैकेज कैसा है तो स्टूडेंट का कहना था पैकेजेस एवरेज की अगर हम बात करें तो छः से आठ लाख के बीच का है कई सारी कंपनी जैसे आई टी सी आई थी डाबर आई थी इस साल यू नो डिलोयट आई है कंसल्टिंग के लिए एफ एम सी जी को लेकर कई सारी कंपनीज है बट कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जिम्स रोहिणी जिम्स कालका जी तो ऑब्वियसली जिम्स रोहिणी थोड़ा सा अगर हम ओवरऑल फैकल्टीज एक और ऐड कर दें तो वो कहीं ना कहीं बैटर है प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर है तो एज़ पर कॉलेज सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं आई एस सेवनटीन पॉइंट फाइव फाइव लाख का है अगेन अगर आप वो यू नो जॉनसन थाटन यू नो ग्रैंड थाटन यू नो कंसल्टिंग फॉर्म की बात करें जॉनसन थॉटन कह रही थी मैं ग्रैंड थॉटन कंपनी की बात हैं तो उसके लिए अभी वी के नॉट से करिकुलम आई हैव सीन द करिकुलम इट्स क्वाइट गुड रेट एंड बाकी सारी चीज़ें ऑल इन ऑल इज वट आई कैन सी ऑन वेबसाइट इज प्री गुड बट कैसा होगा क्या होगा वेन फर्स्ट वेल विच फर्स्ट बैच विल पास आउट देन कहीं ना कहीं एक फाइनल प्रोडक्ट आप दे पाओगे बट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो उसके लिए एक सिंपल सा जवाब मेरा है कि जैसे मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी उसकी लिस्ट में एशियन भी था जिम्स रोहिणी भी था एन भी था तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे लिस्ट में अब क्वेश्चन आता है कि उन सारे कॉलेजेज में इसको आपको कौन सी पोजिशन पर रखना चाहिए मार्केटिंग देख रहे हैं फिनांस देख रहे हैं चार देख रहे हैं बिकॉज द गर्ल विद हु माइंड प्रैक्टिस कुछ कॉलेज से बेटर है और कुछ कॉलेज इससे बेटर भी हो सकते हैं तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ना कि बेटर है वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे कौन से कॉलेजेस हैं और आप तो फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट मोर क्लियरिटी अबाउट कॉलेज अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं एंड दीज आर द रिक्रूटर्स विजन कूच एक्सीएल पैनासोनिक डिलॉइड आई थी टाटा पावर आई थी राइट ट्रेड जनरल मार्क आई थी विप्रो थी एशियन पेंट्स थी मकैन थी ये सारी कंपनीज रिक्रूटर्स स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स जिनके अच्छे परसेंटाइल हैं कैट में राइट right? अगर हम बात करें टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप है ट्वेंटी फाइव परसेंट है ट्वेंटी परसेंट है